आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। मैं आत्मा अनंत प्रकाश से संपन्न और परिपूर्ण, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक फ्लो बह रहा है। जैसे कभी आप चश्मे के नीचे स्नान किया हो या फवारे के नीचे स्नान किया हो, वो धारा, वो आत्म प्रदेशों की या संख्यात प्रदेशों की धारा है। धीरे धीरे पूरे सिर को देखे, चेहरे को देखे, दोनों आंखें, दोनों कान, दोनों नाक, चेहरा, सिर का सिरा एक फ्लो सा बह रहा है, एक प्रकाश पुंज सा बन रहा है। वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है, वो आत्मा के ज्ञान का प्रकाश है। दोनों कंधे, दोनों भुजाएं, दोनों हाथ, छाती, छाती का दायां भाग, बायां भाग, पेट, पीठ, कमर, रीढ़ की हड्डी का हर मन का एक स्रोत बह रहा है। धीरे धीरे अनुभव कीजिए। पूरी पीठ, छाती, पेट, नाभि केंद्र से गुजारते हुए दोनों जंघा, दोनों घुटने, दोनों टांगे, दोनों पांव, सिर के सिरे से पांव के मुठे तक एक प्रकाश सा बह रहा, वो आत्मा का प्रकाश, वो बह रहा है। केवल आप शांत चित्त से भीतर अनुभव करें, उसमें सुख है, उसमें शांति है, उसमें शक्ति है, उसमें आनंद है, उसमें प्रेम है, वो तुम्हारे भीतर है। शांत चित्त से अनुभव कीजिए।
देह की आसक्ति को तोड़ दीजिए, तुम देह नहीं हो। माना कि देह में आत्मा है, देह को गौण कर दीजिए, आत्मा को प्रमुखता से स्थान दीजिए और अपने भीतर गहरे डूब जाए। मात्र दृष्टा, कुछ भी नहीं करना, जानो और अनुभव करो। और भीतर गहरे चले जाएं।
अनंत प्रकाश से युक्त, सुख समृद्धि से संपन्न, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, उदय कर्म के अधीन कभी सुख आता है कभी दुख आता है, वो आत्मा का नहीं वो देह का है, ऐसा अटल विश्वास अटल श्रद्धा। एक लंबा गहरा श्वास ले, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानं। और जब मैंने इस शिविर को अटेंड किया, अपने जब चर्म चक्षुओं को बंद किया, अपनी वाणी को मौन दिया और अंतर यात्रा में उतरी, और मैं अपने मन की गहराइयों में अंतर उतरती चली गई और मेरे मन के प्रज्ञा चक्षु खुलते चले गए। यही मेरे जीवन का लक्ष्य रहेगा और मैं हमेशा इसी लक्ष्य के लिए लगी रहूँगी। और आचार्य श्री से प्रार्थना करती हूँ, उनके चरणों में निवेदन करती हूँ, हे भगवान, कभी भी आपको मौका मिले और मेरे जीवन में एक आशीर्वाद जरूर भरना कि मैं आपके पद चिन्हों पर चलूँ और शीर्ष क्षेत्र में पहुँच सकूँ। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाना तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाना तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणम पवज्जाम, अरहंते शरणम पवज्जाम, सिद्धे शरणम पवज्जाम, साहु शरणम पवज्जाम, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जाम। चारे शरण दुख हरण जगत में और न कोई होगा जो भव्य प्राणी उसका अजर अमर, उसका सदा ही मंग।